देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ। कहते हैं अगर सच्चे लगन से तैयारी की जाए तो सफलता आपके कदमों को चूमती है। पूर्णिया की एक महादलित सफाई कर्मी की बेटी पुष्पा ने अपने संघर्ष के बदौलत वह मुकाम हासिल की है जो समाज के लिए प्रेरणा का काम करती है। दरोगा और BPSC की परीक्षा में सफलता हासिल कर पुष्पा ने पूर्णिया का गौरव बढ़ाया है। पूर्णिया जंक्शन पर सफाई कर्मी का काम करने वाले सुबोध मेहतर की बेटी पुष्पा कुमारी ने दरोगा भर्ती की परीक्षा में फाइनली सफलता अर्जित कर ली। इसके साथ ही पुष्पा ने BPSC 63 व 64 की पीटी परीक्षा में लगातार सफलता अर्जित की। पुष्पा की सफलता से जहां उनके परिजन काफी खुश हैं, वहीं आसपास के लोग समेत रेल कर्मी भी काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। पुष्पा का कहना है कि माता पिता और गुरु के सहयोग से आज वे इस मुकाम तक पहुंची। उन्होंने कहा कि उनके पिता सुबोध मेहतर रेलवे में सफाई कर्मी हैं। सीमित संसाधन के बावजूद काफी संघर्ष करके हमेशा सपोर्ट करते थे। उनके इसी सपोर्ट ने उनका मनोबल बढ़ाया और आज वे इस मुकाम तक पहुंचे। वे आगे भी अपना पढ़ाई जारी रखेंगी और BPSC में पूर्ण सफलता अर्जित कर देश और समाज की सेवा करेंगे। ये मेरे मेरिट लिस्ट आए हुए हैं पेपर में, जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। और यहाँ मेरा रोल नंबर है जो मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, 311003097। मैंने BPSC मेंस दिया हुआ है 63 वाली, वो इसका ये एडमिट कार्ड है, 63 कॉम्बाइंड कॉम्पिटेटिव मेन एग्जामिनेशन। इसका एग्जाम मैंने जनवरी में दिया हुआ है और अभी 64 BPSC प्रे भी दिया हुआ है एडमिट कार्ड। फिलहाल वो मेरे घर पे है, यहाँ पे नहीं है। और मैं इस बार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित हुई हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुबोध मेहतर है, जो एक रेलवे सफाई कर्मचारी है। मेरी माता एक गृहिणी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता का रहा है, मेरे गुरुजन का रहा है, जिनके सही मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पटना में BPSC की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 63 BPSC में प्री एग्जाम क्वालिफाइड किया है और फिलहाल मैंने मेंस दिया हुआ है। इस बार की 64 BPSC परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में भी मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है और उसकी परीक्षा जुलाई में होने वाली है मेंस की। मैं उसकी भी यहाँ लेकर तैयारी कर रही हूँ। वहीं पुष्पा की मां गीता देवी कहती हैं कि आज उनकी बेटी ने उनका मान बढ़ाया है। बेटी की सफलता से लोग काफी खुश हैं। गीता देवी ने कहा कि उनकी बेटी ने काफी संघर्ष कर सफलता को अर्जित की है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हमारी बेटी दरोगा बनी है। कितना संघर्ष किए हैं आप लोगों ने? बहुत ज्यादा किए हैं, बहुत परेशानी उठाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए भी। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई हर चीज बहुत मेहनत की है बच्ची, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हम लोगों को। हर जगह से बधाई भी आ रही है, बहुत खुशी है। BPSC में भी कम्प्लीट किए? हाँ, BPSC में की है। अच्छा बने, देश का समाज का नाम रोशन करे और आगे भी बढ़े, वो यही हमारा मन कामना है। खुशी गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। पुष्पा के पिता सुबोध मेहतर कहते हैं कि सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी मूल मंत्र के साथ वे कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया। अपनी सीमित सैलरी के बावजूद उसने अपने बेटी को बेटा की तरह पढ़ाया। आज उसी का परिणाम है कि उनकी बेटी पुष्पा दरोगा बनी। आगे वो BPSC में पूर्ण सफलता अर्जित कर हम सबको गौरवान्वित करेंगे। मेरा नाम सुबोध मेहतर है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ रेलवे का, पूर्णिया जंक्शन का। तो शुरू से जब मैं बच्चा लोग छोटा था, सपना था कि हम बच्चा ऊपर आवे, कुछ आगे बन के बड़ा आदमी बने। जो हम लोग सफाई करते हैं, ये लोग सफाई नहीं करे, कुछ अच्छा काम करे सोच के सर हम पढ़ाए बच्चा को। आज मुकाम यहाँ तक है कि यहाँ तक बच्चा आई है, इससे मैं बहुत खुशी हूँ। खुशी इस बात का भी हूँ सर कि मैं अपने कर्तव्य पर, निष्ठा पर, कि जो मैं सोचा कि रोटी नमक खाएंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, नहीं बेटी स्कूल क्यों भेजेंगे। सरकार के भी सर योजना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस ख्याल से सर हम पूरे दिल दिमाग से जुड़े रहे। आज परिणाम समाज के आगे, आज अब सुमोक भी आए हैं, सौभाग्य मिला है हमको, मेहनत का फल मिल रहा है सर। अब कितना बतावें, दिल से सर आंसू निकल रहा है खुशी का। कितना गर्व महसूस हो? बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर, इतना बहुत गर्व महसूस। हर समाज को इस तरह प्रेरणा लेना चाहिए और करना चाहिए। बेटा बेटी में फर्क नहीं बूझे, सबको मन से पढ़ावे, सबको देश का सेवा के लिए जो है कि उत्साहित करे। बेटा बेटी में फर्क नहीं बुझना चाहिए, जो बेटा में फर्क है वही बेटी में फर्क कुछ नहीं है सर। आज हमारा बेटा ही समझिए पुष्पा कुमारी है, जो पहला हासिल इतना दिखाया है हमको सर। वहीं पुष्पा की बहन रूपा भी अपनी बड़ी बहन की सफलता से काफी खुश है।
रूपा कहती हैं कि दीदी उन लोगों को भी काफी सहयोग करती थी। हम लोग तीन भाई बहन हैं, वो बड़ी हैं, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं, हम लोग हमेशा सपोर्ट करती हैं पढ़ने को, और मैं भी उनकी तरफ बनना चाहूँगी आगे चल के फ्यूचर में। किस किस कंपटीशन में फेस किया है? वो बीबीएससी का तैयारी कर रही है, वो 64वीं में पास हुई हैं और अभी पटना में तैयारी कर रही है बीबीएससी का, और वहाँ पे पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं बीबीएससी का। दरोगा में कम्प्लीट हुआ है उनका। कितना संघर्ष करती थी वो? बहुत संघर्ष करती थी, दिन रात पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा तैयारी की वो बनने का, बहुत मेहनत की तब जन को सफलता मिली है। वहीं पुष्पा की कामयाबी के बाद पूर्णिया जंक्शन के रेल कर्मी भी अपने सफाई कर्मी की बेटी की सफलता से काफी खुश हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। स्टेशन अधीक्षक मुन्ना कुमार ने कहा कि सुबोध मेहतर रेलवे के सफाई कर्मी हैं, ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चे के प्रति काफी सजग है। इसी का नतीजा है कि उनकी बेटी दरोगा के साथ साथ बीपीएससी में भी सफल हुई है। सुबोध जी की बच्ची पुष्पा कुमारी जो अभी दरोगा में कंप्लीट की है, एक लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा ही वो मैसेज दे रही है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। और सुबोध मेहतर हमारा सफाई कर्मी है और बहुत ही लगन से मेहनत से काम करते हैं, जितना ही अपने काम के प्रति ध्यान देते उतना ही अपने बच्चों के प्रति ध्यान दिए, और उनका मेहनत और लगन का नतीजा है कि उनकी बेटी आज दरोगा में कंप्लीट की है। पूरे रेल कर्मी रेल परिवार इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये मैसेज पूरे समाज को जाता है, पूरे बिहार को ये मैसेज जा रहा है कि एक बच्ची इतनी मेहनत करके और यहाँ तक पहुँची है, और नीचे से उठना एक बहुत ही बड़ा मैसेज है सभी के लिए। नारी सशक्तिकरण के इस दौर में बेटियां अब बेटे से काफी आगे निकल गई है। एक महादलित परिवार की सफाई कर्मी की बेटी पुष्पा ने जिस तरह सीमित संसाधनों के बावजूद सफलता अर्जित की है, ये वैसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आज भी बेटी को घर की दहलीज से बाहर नहीं जाने देती। SDN न्यूज भी पुष्पा की सफलता पर उन्हें बधाई देती है और कामना करती है कि वह बीपीएससी में भी पूर्ण सफल होकर देश की सेवा करें।